नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। बस्ती टाइम 24 पर हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। व्यास कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में मानव चेतना जागृत प्रन्यास द्वारा श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पोस्टर का आज जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल और प्रन्यास के अधिकारियों द्वारा किया गया। इसका वाचन आचार्य राजेंद्र जोशी करेंगे। बीकानेर सिविल चीफ डॉक्टर रामदयाल भाटी, बताइए आज जो आपने बैनर का विमोचन करवाया करे थे साहब से, क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए सर। जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर बेजुबान जानवरों के लिए और पूरी प्रकृति में सबका कल्याण हो, सनातन धर्म का अभ्युदय हो, इस विषय को संकल्प में लेकर के व्यास कॉलोनी में स्थित हमारे आदरणीय मनमोहन जी, हमारे पार्षद साहब आदरणीय गौरी शंकर जी, लीलाधर जी, सभी श्रीमाली जी, अमित जी और आप सभी के सहयोग से ये भागवत कथा जो होने जा रही है, ये कथा 18 तारीख को शुरू होगी और 24 तारीख तक चलेगी। 17 तारीख को इसकी कलश यात्रा है और प्रतिदिन कथा दोपहर में 4 से 7 बजे तक व्यास कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में रहेगी। आप सभी का इसमें स्वागत है। श्रीमद भागवत कलयुग में भोग और मोक्ष दोनों देती है और इससे चेतना का विकास होता है। ये 17 तारीख को जब कलश यात्रा निकाल रहे, कितने बजे है और कहाँ से आप कलश यात्रा निकलवाए गए? कलश यात्रा के बारे में आपको हमारे आदरणीय मनमोहन जी पूरा बताएंगे। जी सर, बताइए सर। 17 तारीख को ये जो कलश यात्रा है, बीएसएफ गेट के सामने दुर्गा माता का मंदिर है, वहाँ से प्रारंभ होकर के अपने कथा स्थल शिव मंदिर तक जाएगी। 11 बजे का समय है और मैं सभी कॉलोनी वासियों की महिलाओं से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के इस कलश यात्रा का आनंद उठावें और साथ ही साथ इन भागवत का भी श्रवण करके अपने जीवन का मोक्ष और इसका लाभ प्राप्त करें। जी सर, बताइए सर। आगे वैसे कलश यात्रा के लिए सभी महिलाएं भलीभांति परिचित होगी कि पीली और लाल साड़ी का एक जैसा ड्रेस कोड होगा और कलश की व्यवस्थाएँ दोनों स्तर पर होगी। जो महिलाएं अपने घर से कलश लाना चाहे वो पूजा के बाद अपने घर ले जाके अपने मोक्ष की प्राप्ति हेतु उस कलश का पूजन कर सकती है। अदरवाइज हम सभी लोग मिलकर के कलश की व्यवस्था करवाएंगे और सभी महिलाओं को अधिकाधिक भागीदारी देने के लिए पुनः निवेदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।